अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सबसे बेहतर है कि आप चोर और पुलिस का खेल समझ लीजिए। क्या समझना है? चोर और पुलिस का खेल। जाहिर सी बात है, हर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट जब काम करता है तो उसके यहाँ R&D का एक डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है। वो रिसर्च और डेवलपमेंट विंग हर तरीके के एनालिसिस करता रहता है। जैसे वो इस तरीके के एनालिसिस भी करते होंगे कि इस एरिया में किस टाइप के लोग चोर हैं। जब इलेक्शन आता है तो उसके पहले क्या करते हैं, किन के पास बंदूक का लाइसेंस है उसका भी एनालिसिस करते हैं, उसको सबमिट करा लेते हैं, है ना। होता ना कि जब घर में चोरी होती है तो मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि यार देखो पुलिस वाले को सब पता रहता है, क्योंकि पुलिस वाले उसकी एनालिसिस करके देखते हैं। तो आज हम लोग ये जो स्कैटरिंग का जो इनका एक्सपेरिमेंट है, इसको और चोर और पुलिस के हिसाब से समझेंगे। कैसे समझेंगे वो समझिए कि रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट हुए और उन्होंने 1906 में ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने इसका कोई रिजल्ट नहीं दिया किसी को। फिर अपना करने के बाद उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को अपने दो स्टूडेंट को दिया। दोनों का नाम है एच जीजर एंड अर्नस्ट मस्डेन, और इन्होंने 1911 में इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देना स्टार्ट किया, जिसके हिसाब से हमें इसका एक न्यूक्लियस का मॉडल मिला। जो एटम्स होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसकी पहली जो यहाँ पर एनालिसिस करके लोगों के सामने लाया गया वो ये लोग लेकर के आए। हमेशा जानते हैं कि भाई एनालिसिस तो एक्सपेरिमेंट तो किया हुआ रदरफोर्ड का था, उन्होंने ही बताया कि आपको इस तरीके से सेटअप करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो इन दोनों ने वो एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड के नाम से ही जाना जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझिए। एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि जैसे पुलिस को एक्सपेरिमेंट करना था, पुलिस को एक्सपेरिमेंट करना था कि जब चोर पुलिस को देखती है तो कैसे भागता है, जब चोर पुलिस को देखता है तो कैसे भागता है, वो सीधे भागते हैं कि गली में मुड़ जाते हैं, कि जो है कुछ थाने में छुप जाते हैं। बहुत चालाक चोर कहाँ था तो छुपता है, वो थाने में छुप जाएगा कि तुम वहाँ ढूंढोगे ही नहीं, ठीक है। तो वही काम उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ पार्टिकल लिया जहाँ से कुछ पार्टिकल निकलेंगे, यानी चोर भागेंगे वहाँ से। अब वो चोर कौन बने, वो बन गए बिस्मत, और बिस्मत से निकलने लगा अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल कैसे बना, अल्फा पार्टिकल हीलियम का वो होता है आयन, हीलियम का आयन से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, दो पॉजिटिव चार्ज आ गए, वही हो गया अल्फा पार्टिकल। हीलियम से क्या करिए, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो दो पॉजिटिव चार्ज आ गए, वो हो गया हमारा अल्फा पार्टिकल, ठीक। अब इसको क्या किया इन्होंने, जब यहाँ से सोर्स निकला तो जाहिर सी बात है कि वो स्कैटर हुआ, हर तरफ जाने लगा इधर उधर। उन्होंने उसको एक बीम के फॉर्म में लाने के लिए ये वॉल बना दी, जिसको बना दिया लीड ब्रिक्स की वॉल। और उसका काम क्या है, कॉलिमेट अल्फा पार्टिकल इनटू थिन बीम, यानी क्या करता है, कॉलिमेट कर देता है स्ट्रेट लाइन में। क्लियर, फंक्शन सबका समझते हुए चलिए। यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ, उसको एक बीम में लाने के लिए हमने क्या किया, लीड ब्रिक्स लगाया, जिसका फंक्शन क्या है, कॉलिमेट अल्फा पार्टिकल इनटू थिन ब्रिक्स। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, इसको इन्होंने एक फॉइल लिया, जैसे ना चांदी का वर्क आता है, मिठाई भी चिपका रहता है बहुत पतला, तो ऐसे थिन शीट बनाया। और उस थिन शीट बनाने का उनका एम कितना था, कहाँ तक था, इतना थिन बनाना चाहते थे कि एक लेयर ही सिर्फ एटम की हो, उसके पीछे कोई दूसरा एटम हो ही ना, इतना थिन बनाया। कितना थिन बनाया, देखिए, थिन गोल्ड फॉयल 10^-6 मीटर टू 10^-8 मीटर, कितना थिन बनाया होगा उन्होंने कि उसके पीछे कोई दूसरा एटम हो ही ना। हाँ बना सकते हैं, अब तो बना सकते हैं, उस टाइम बना होगा कि नहीं बना होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस लेवल पर तक गए वो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ना, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम। अच्छा, ये जो बनाया इन्होंने, ये जो बनाया, ये एक लाइन नहीं है, ये पूरा एक सिनेमा का पर्दा है। क्लियर, ये क्या है, ये जो ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये क्या है, एक सिनेमा का पर्दा है, यानी ये एक डिटेक्टर है। ये क्या है, एक डिटेक्टर है, इसको हम लोग कहेंगे जिंक सल्फाइड सोर्स होता है, फोटो सेंसिटिव। ये जो है एक फोटो सेंसिटिव पर्दा लगा दिया मैंने,
जिंक सल्फाइड का। तो पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ फॉइल ले लिया, ध्यान से बजिए, ये रहा गोल्ड का फॉइल, ये फॉइल, ये पर फॉइल लगा हुआ है। जब यहाँ से चोर भागे, चोर को पहले यहाँ से भगाया गया, तो वो जो चोर भागे उनको एक लाइन में पहले भगा दिया गया। अब जब चोर भागते हैं यहाँ आते हैं और यहाँ पर पुलिस की जीप खड़ी कर दी गई, ये है पुलिस की जीप। तो चोर पुलिस की जीप को देख के क्या करता है, उन्होंने इसकी एनालिसिस की, कुछ ही रिवर्स गए, बाकी ज़्यादातर क्या हुए, फाइल में से पास कर गए, पूरा पास करते चले गए। अच्छा, पास करे तो पता कैसे चला भाई पास कर गए, वो अल्फा पार्टिकल से दिखे कैसे, उसको देखने के लिए उन्होंने ये लगाया सिनेमा का पर्दा जिंक सल्फाइड का, कि जहाँ पर जाते थे ना तो वहाँ पर लाइटिंग होती थी, उस लाइटिंग को देखने के लिए क्या किया, नेक डाई से दिखा नहीं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये लगा दिया डिटेक्टर माइक्रोस्कोप। तो इसका काम क्या है, इस ब्लू कलर के पर्दे का, उसको देखना कि वो जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो किधर गए। तो मैंने एक आपको दिखाया है कि ये थीटा एंगल डेविएट हो गया अपने रास्ते से, ये चोर जो स्ट्रेट भाग रहा था पुलिस की जीप क्रॉस करते ही ये इधर चला गया। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि पुलिस की जीप से वो डेविएट हुए तो किस बिहाफ पर डेविएट हुए, भाई कोई सीधा निकल गया, हो सकता है घूस दे के निकल गया हो, कुछ के पास पैसे ही न रहो, ये अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। मैं यहाँ का रीज़न इसको समझाता हूँ आपको, क्या किया उन्होंने कि एक्चुअल में जो ज़्यादातर सीधे निकल गए, इसका मतलब हुआ कि ज़्यादातर एरिया खाली था, ऑन पेपर तो पुलिस खड़ी थी लेकिन सही मायने में जब जाके देखा गया तो वो एरिया खाली था। तो इससे एक एनालिसिस ये निकला कि एटम्स का मोस्टली एरिया क्या होता है, वो फ्री है, खाली है, तभी तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल निकल जा रहे हैं। क्लियर, पहली बात तो एनालिसिस ये आई। अब इसी का एनालिसिस देखिए एटम के फॉर्म में मैंने यहाँ दिखाया है, बात समझिएगा। इसमें क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बीच में एकदम गया है सेंटर से, वो जाकर के वापस आया, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कुछ ही, बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्या हुए, वापस गए, बाकी क्या हुए, डेविएट हो रहे, इधर गए डेविएट हो गए। इनका अमाउंट कितना है, अब उसके एनालिसिस करते हैं, लेकिन ये बात समझिए कि कुछ ही वापस आए और ज़्यादातर पास कर गए और कुछ अपने रास्ते से डेविएट हुए। जो डेविएट हुए थीटा एंगल, उसको मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर शो किया है, क्लियर। अब उसके एनालिसिस में निकला क्या वो समझिए, उनके एनालिसिस में लिखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड होगा, वो डेविएट हुए ही नहीं, कितने 99.86%, मतलब मैक्सिमम चोर सीधे निकल गए एकदम, ठीक है। अगर एटम से हर चीज़ सीधे निकल जा रही है, इसका मतलब एरिया तो खाली है ना, तो ये बात तो उन्होंने इस एनालिसिस से कहा कि एटम्स का मोस्टली एरिया क्या होता है, वो फ्री होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट मोर देन 1 डिग्री, यानी मोर देन 1 डिग्री, यानी बहुत थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, बहुत थोड़ा सा जो डेविएट हो भी रहे हैं। उसके बाद उसमें देखा जाए 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल, 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, वो 90 डिग्री, यानी यहाँ से जा करके यहाँ नीचे 90 डिग्री में चला गया। और फिर ये अमाउंट देखिए 10^6 में से एक अल्फा पार्टिकल सिर्फ डेविएट अबाउट 180 डिग्री, ये जो बीच वाला है आ करके वापस चला गया, यही 180 डिग्री वापस गया, कितना है 10^6 में से एक अल्फा पार्टिकल। इससे क्या एनालिसिस क्या निकलती है, पहली एनालिसिस निकली कि वो जो एरिया है एटम का वो खाली है ज़्यादातर, और अगर भरा हुआ है भी, अगर वो फील्ड है भी तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर पे है, उसका जितना भी मास है वो कहाँ है, सेंटर पे है, और सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता पॉजिटिव चार्ज है, कोई बताएगा पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चलेगा, अरे अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव ना होता तो ये चिपक गया होता ना,
अट्रैक्ट हो गया होगा, अगर ये बीच में सेंटर में न्यूक्लियस के पॉजिटिव ना होता तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता, वापस क्यों भेजता? तो इसका मतलब एटम्स के बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये भी पता चल गई यहाँ से। इसी के एनालिसिस करके इन्होंने इसको न्यूक्लियस कहा, इसी के एनालिसिस करके क्या कहा इन्होंने, न्यूक्लियस। अच्छा एक सवाल और पैदा होता है, ये जो अल्फा पार्टिकल आया क्या न्यूक्लियस को टच करके भागा? कॉलिजन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कॉलिजन हो रहा है, तो क्या कॉलिजन में छू के भागा है? उसे छू के नहीं भागा। कॉलिजन का मतलब क्या होता है, छूना नहीं होता, कॉलिजन का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। अगर मोमेंटम में चेंज हुआ तो कॉलिजन माना जाएगा, पढ़ा होगा मोमेंटम में, इसे ही कॉलिजन कहते हैं। जैसे होता है ना कोई गली से आया और आते आते उसके फादर मिल गए या उसके स्कूल के प्रिंसिपल मिल गए, तो कॉलिजन नहीं करेगा तभी टकरा करके वापस भागेगा, मोमेंटम चेंज होना ही कॉलिजन कहलाता है। यानी ये अल्फा पार्टिकल इसको टच नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ से वापस चले गए। तो देखो एक चीज़ पता चल सकती है, क्या पता चले, ध्यान दो, उत्कर्ष जगो, ध्यान दो, इससे एक चीज़ पता चलेगा, बहुत अच्छी चीज़, एकदम डीप लेवल पे समझो। ये पार्टिकल आए और यहाँ से भाग गए, यहाँ से न्यूक्लियस के पास से ही तो भागा, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट और न्यूक्लियस का सेंटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर नॉट, यही तो उसका क्लोजेस्ट अप्रोच है। यानी कि अल्फा पार्टिकल सबसे नज़दीक जो न्यूक्लियस के पास पहुंचा, उसके बीच कितनी दूरी बची थी, आर नॉट, मतलब ये जो चोर था वो दरोगा के हाथ में आते आते वापस भाग गया, पुलिस के इंस्पेक्टर के हाथ में आते आते भाग गया और जाकर के अपने बॉस को बताया कि भाई क्लोजेस्ट जो अप्रोच था बहुत थोड़ा सा बचा था, मैं पकड़ ही गया था मैं, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, ध्यान दो, अब इसकी एक और ना समझो, क्या ये क्लोजेस्ट अप्रोच तुम्हें न्यूक्लियस का साइज के आसपास नहीं बताएगा? उसके आसपास ही तो पहुँचाएगा, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट ना पहुँचाए लेकिन पहुँचाएगा एग्जैक्ट पास पास, क्योंकि ये सबसे नज़दीक तो ये पहुँचा होगा, और कोई तो गया ही नहीं होगा, बाकी तो सब इधर से भाग गए, पहली गली से कोई मुड़ गया, कोई दूसरी गली से मुड़ गया, कोई उधर से भाग गया, और कुछ तो घुस दे के भाग गए, यही जो है यहाँ से छू के भागा था समझो, वहाँ से एकदम, मतलब होता है ना मौत के पास टक से वापस आ जाना, समझ गए, इसे कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, यही कहलाता है एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज। और इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, भी एक फॉर्मूला आएगा उससे हम लोग निकालेंगे कि क्या किस लेवल तक का उसका रेडियस होता है। क्लियर, समझ में आया? अच्छा अब इसके एनालिसिस पे ही जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो तीनों एनालिसिस उन्होंने निकाली हैं। पहला क्या है, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम्स मस्ट बी एम्प्टी, क्योंकि पास कर गया तो खाली होगा। दूसरा, ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन, बहुत ही स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कह दिया। पॉजिटिव चार्ज क्यों उन्होंने माना, समझ गए होंगे, क्योंकि रिपेल करके वापस गया। तीसरा, उन्होंने कहा कि चूंकि एक एटम, तीसरा समझो भाई, जब आपने न्यूक्लियस को पॉजिटिव कह दिया और टोटल एरिया न्यूट्रल है तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव वो होगा इलेक्ट्रॉन, कहीं ना कहीं तो होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है इसके, फिर जिसका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि तभी तो उसको न्यूट्रल बना रहे हैं। अब जब न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है, अभी खाली वो न्यूक्लियस की बात आई यहाँ पर, कि बीच में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कुछ है कॉन्सेंट्रेटेड, वो न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में कई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? अच्छा ये भी जो थे, देखो एक बात बताएं, बड़े लोगों से जुड़ते हुए आदमी जो है बड़ा बनता है, ये दोनों किसके स्टूडेंट, रदरफोर्ड किसके स्टूडेंट, जे थॉमसन के। तो ये देखो सीरीज है पूरी, एक दूसरे से सीखते आ रहे हैं, एनालिसिस करते आ रहे हैं, और जिसने उससे सीखा वो आगे बढ़ा, और जिसने वहीं से ब्रेक किया फिर वो आगे नहीं बढ़ा, फिर उसका नाम कोई नहीं जानता। मतलब इनके स्टूडेंट तो बहुत सारे रहे होंगे ना, उनके स्टूडेंट में से जिसने सीख लिया ग्रैप्स किया उसने नई खोज कर दी फिर। अच्छा ये ज़रूरी थोड़ी कि खाली गोल्ड भी किया होगा इन्होंने, अरे रदरफोर्ड ने बहुत कुछ भी किया होगा, खाली गोल्ड को फॉइल नहीं लगाया होगा, बहुत कुछ लगाया होगा, बेइज्जती के मारे तो बताया भी नहीं होगा कि मैंने वहाँ टिन भी लगा दिया था, मैंने ग्लास भी लगाया था, लेकिन जिस पर एक्सपेरिमेंट अच्छा आया वही हिस्ट्री में आता है फिर, मेहनत बहुत बड़ी होती है इनके पीछे। ठीक है चलिए नोट कीजिए इसका बात, कुछ और चीज़ें इसमें समझते हैं।
सो नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने ये देखा कि नंबर ऑफ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं किस तरीके से डेविएट हो रहे हैं और किस तरीके से उसे पास कर जा रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने एक ग्राफ भी प्लॉट किया, उन्होंने वाई एक्सिस पर लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, यानी जितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर लिया उन्होंने स्कैटरिंग एंगल कि कितने एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। तो इस ग्राफ में उन्होंने दो चीज़ें शो की, ध्यान दीजिएगा, ये जो डॉट डॉट है ना, ये उनका एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिले, और फिर उन्होंने बीच में उन डॉट्स को मिलाने के लिए अपना एक थ्योरेटिकल डाटा लिया जो कि एक फॉर्मूले से लिया। वो फॉर्मूला था एन इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन पावर 4 थीटा बाई 2, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब डेविएट, दोनों एक ही चीज़ें है ना। तो ये हो गया, और के एक कॉन्स्टेंट है एंड जेड इज़ द एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है? जो फॉइल हम ले रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर होगा। इस पर अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी लगाऊंगा। तो ग्राफ आपको समझ में आ गया कि ये जो डॉट्स हैं वो उनका एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और जो स्ट्रेट लाइन मिलाई है उन्होंने ब्लू कलर से, वो उनका थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन था उनका, उन्होंने मिला करके ग्राफ प्लॉट कर दिया। आप ये भी देख सकते हैं कि जो डेविएशन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बहुत कम है। स्टार्टिंग में देखिए 10^6 के आसपास हैं, उसके बाद जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डेविएट हो रहे हैं वो उनकी जो है क्वांटिटी बहुत कम होती जा रही है, और वो बहुत कम डेविएट होते हैं। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस। मैंने थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया था कि एक ऐसा अल्फा पार्टिकल आता है जो छू करके वापस भाग जाता है ना, मैंने कहा था ना कि वो मौत को छू के भाग गया। तो वही मामला यहाँ पर है कि मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए ये हो गया एटम और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस पर चार्ज क्या बताया गया? पॉजिटिव। और यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया और यहाँ से फिर वो वापस भाग गया, ये आया वापस भाग गया। तो जहाँ से वापस भागा और जहाँ तक न्यूक्लियस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर नॉट, यही है क्लोजेस्ट अप्रोच, सबसे करीबी जो डिस्टेंस बना वो ये बना, और यही हमें क्या दे सकता है? एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज दे सकता है, उसी के आसपास एक मामला बनेगा। तो यानी ये है न्यूक्लियस और ये है अल्फा पार्टिकल। अब ध्यान दीजिए ज़रा कॉन्सेप्ट पे आइए, ये जो पार्टिकल जो चल रहा था, अगर मैं कहूँ इनिशियल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो हमने m ले लिया, एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वो ले लिया हमने v, ध्यान दीजिए ट्रेवल कर रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के अल्फा मैं कहता हूँ इसे, वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए संकल्प, जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा था क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुँचा, उसके अंदर जाते हुए कितनी काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली? वो थी हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको मैंने के अल्फा से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके पास चार्ज कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव 2e, ये तो है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, यानी Q1, क्या ये प्लस 2e हो है? हीलियम का निकलेस ही तो है, ठीक है, यही तो वहां पहुंचा था। अच्छा बताइए, यहां हमने ले लिया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड या कोई भी मटेरियल ले लिया, तो जो न्यूक्लियस है इस पर कितना चार्ज है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, क्या मैं इसे Q2 कह दूं, क्या मैं इसे ZE लिख सकता हूं? Z इज द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, किसी देख दीजिए। अरे भाई, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होते हैं। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। बस नेचर क्या होता है? पॉजिटिव, इसीलिए मैंने ZE लिखा है। एटॉमिक नंबर उस न्यूक्लियस में जितना भी प्रोटॉन हो वो Z है, उस पर चार्ज कितना है?
ई है और पॉजिटिव लिखा है, बस क्लियर है। तो दो चार चार्ज हो गए, एक हो गया Q1, दूसरा हो गया Q2, Q1 Q2 Q1 Q2, दिमाग लगाओ, ये रहा Q1 और ये कौन है Q2। इसका काइनेटिक, जब ये जाते जाते इसका काइनेटिक एनर्जी जब ये पहुंचा होगा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा वहां जा करके? एक चार्ज आया और एक चार्ज यहां पर है, ये आ रहा है, इसके अंदर कितना चार्ज है, वो एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। आते आते रुकेगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, करते 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 रुक गया। इस वक्त इसके अंदर कितना एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R, क्लियर, याद आ गया। तो इसका मतलब ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान दीजिए भाई, क्या के अल्फा इज इक्वल टू यू होगा, यू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, के अल्फा की जगह मैं लिख देता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा के वैल्यू क्या होती है, 1/4 πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁻¹, है ना, हाँ, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों बीच में, R0, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर के Q1 की वैल्यू 2E, Q2 की वैल्यू ZE अपॉन R0। देखो R0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, एक आ सकती है, इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 4 के ZE² अपॉन MV², सही है, अरे सही है। अच्छा इसकी जगह क्या हाफ MV² जगह के अल्फा लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला फिर बन सकता है, अब यहाँ 2 तो नहीं रहेगा ना, के अल्फा रहेगा, तो यहाँ आएगा 2KZE² अपॉन के अल्फा, के अल्फा क्या है भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये दो फॉर्मूले आ गए, वेयर मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर के इज द 1/4 πε0, जिसकी वैल्यू है 9×10⁻¹, क्या यूनिट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये होता है शायद, याद कर लीजिएगा, ठीक, अरे क्लियर है, अब इसमें न्यूमेरिकल लगवाएंगे भी, समझ में आ गया, आता है न्यूमेरिकल, आता है इस पर एग्ज़ाम में, बोर्ड में भी आता है, इसलिए ध्यान से, बोर्ड में आता है, आने के चांसेस हैं, अब न्यूमेरिकल की वैल्यू बढ़ रही है एग्ज़ाम में, इसलिए ज़रूर ज़रूर न्यूमेरिकल लगाइए। और डायरेक्ट फॉर्मूले बात है, कॉन्सेप्ट अगर किसी को याद है तो कर लेगा, हाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी न्यूमेरिकल आएगा। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि एक अल्फा पार्टिकल आया, न्यूक्लियस आया, पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, इसको बदल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, दोनों बराबर कर दो, बात खत्म, समझ गए, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। इस फॉर्मूले से ही हम लोग इसकी हेल्प से गोल्ड के लिए एक न्यूक्लियस साइज को फाइंड करेंगे, और फिर उससे पता चलेगा कि किस ऑर्डर में न्यूक्लियस साइज होता है। ध्यान दीजिए, जैसे ये फॉर्मूला आया, इसमें अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड के लिए AU के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो 79 होता है, तो अगर मैं उसके लिए R0 कैलकुलेट करूं, ध्यान दीजिए, अच्छा उसके लिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हाँ, जो K अल्फा की वैल्यू होती है यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो होता है 5.5 MeV, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन 1.6×10⁻¹⁹ रख दीजिए, वो जूल हो गया, फिर मेगा मतलब होता है 10⁻⁶, मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 5.5 × इलेक्ट्रॉन वाला रख दीजिए 1.6×10⁻¹⁹,
ये जूल हो गया। अब मेगा है तो यहाँ पर 10^6 भी होगा, यानी ये होगा 5.5 × 1.6 × 10^-13 हो जाएगा। ये है जूल में, क्या है ये काइनेटिक एनर्जी है गोल्ड के लिए, ठीक है। अब समझिए, ये आर नॉट हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला देखिए ये है 2, ये के की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, के कांस्टेंट 9 × 10^9 और आगे क्या है जेड, यानी 79 गोल्ड के लिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10^-19 का स्क्वायर है ना, बस फॉर्मूले में रखते जाइए, आसान ही आ जाएगा। फिर 5.5 × 1.6 × 10^-13, ये जो आर नॉट कैलकुलेट करके आता है ये आता है 4.13 × 10^-14 मीटर। इसको हम लोग लिखते हैं आर नॉट इज इक्वल टू 41.3 फर्मी। देखिए 1 फर्मी जिसे हम FM लिखते हैं वो होता है 10^-15 मीटर, और ये होता है ऑर्डर ऑफ कैलकुलेट करने का न्यूक्लियस साइज का। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो वैल्यू आई है ये क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू आई होगी? अच्छा न्यूक्लियस का साइज इससे कम होगा या ज़्यादा होगा? इससे कम होगा, क्योंकि वो टच करके नहीं भागा, वो थोड़े दूर से ही भाग गया होगा, बस मोमेंटम उसका चेंज हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है न्यूक्लियस का साइज, यहीं से पता चला कि इसी लेवल के आसपास होता है, 10^-15 मीटर के आसपास होता है, एग्जैक्ट नहीं पता चला लेकिन इससे कम होगा, ये बात यहाँ से पता चली, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं इस पर। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन ए 5 MeV प्रोटॉन्स अप्रोचेस ए गोल्ड न्यूक्लियस। अगर आप इस तरीके के न्यूमेरिकल पर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे हर बार गड़बड़ होगा, क्यों? क्योंकि वो अल्फ़ा पार्टिकल को कभी लेके आता है, कभी प्रोटॉन को लेकर के आ जाएगा। यहाँ यही चेंज हुआ, वहाँ पर हमने जब कराया था तो एक Q1 ये जो आया था Q1 और दूसरा Q1 जो कि गोल्ड का न्यूक्लियस लिया था, इन दोनों में की वैल्यू बदल देता है वो। हमने लिया था यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल Q1 की वैल्यू, वहाँ पर हमने लिया था 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में, और यहाँ पर वो कह रहा है सिर्फ एक प्रोटॉन आ रहा है, तो जाहिर से बात है जब एक प्रोटॉन आ रहा है तो एक प्रोटॉन पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर रख दीजिए, बस पॉजिटिव में वो मैग्नीट्यूड वो रखेंगे। यानी अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो वो होगा 1/2 mv² जो कि क्या था kp कह दीजिए उसे, इक्वल टू ये था k Q1 Q2/r। हमें r कैलकुलेट करना है तो यहाँ से Q1 की वैल्यू अब आ रहा है प्रोटॉन, यानी उसका एक ई होगा सिर्फ, और बाद में क्या होगा Ze/r। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला बन गया r = ke²z/kp, वैल्यू रखिए इसमें, ये जो k है वो है कांस्टेंट वाला 10^9, e की वैल्यू 1.6 × 10^-19 का स्क्वायर, और गोल्ड का होता है एटॉमिक नंबर 79, और ये दिया हुआ है आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना है 5 MeV, यानी ये है 1.6 × 10^-19 × 10^6। सॉल्व करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी 2.28 × 10^-14 मीटर। फर्मी में कन्वर्ट करना हो तो 10^-15 लेके आना पड़ेगा, 10^-15 लाने का मतलब इस पॉइंट को क्या करिए आप इधर खिसका दीजिए, यानी ये हो जाएगा 22.8 × 10^-15 मीटर, यानी मैं लिख सकता हूँ 22.8 फर्मी। ये आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में चेंज किया था, वहाँ पर जो हमने डेरिवेशन किया था वहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल लाए थे जिस पर चार्ज था 2e, और इस पर जो आ रहा है वो सिर्फ एक प्रोटॉन आ रहा है, इस पर चार्ज होगा प्लस ई, सिर्फ एक ही, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन मुझे यहाँ पर करना पड़ा, बस ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला न्यूमेरिकल कराते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल
और वेलोसिटी 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, यानी आपको यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है। पहली बात तो 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इज स्कैटर्ड बाई ए गोल्ड फॉयल जेड, उसकी वैल्यू दी है एटॉमिक नंबर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द गोल्ड न्यूक्लियस, यानी आर नॉट कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ चार्ज पर यूनिट मास फॉर ए अल्फा पार्टिकल इज, तो जो अल्फा पार्टिकल है उस पर चार्ज अगर क्यू वन है और उसका मास एम है तो इसकी वैल्यू वो गिवन है 4.8 × 10⁷। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्यू वन जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो पार्टिकल है कौन। इसके पहले प्रोटोन आया था, इसमें कौन आ रहा है, इसमें आ रहा है वही अल्फ़ा पार्टिकल, यानी जो क्यू वन की वैल्यू होगी वो 2e ही होगी पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फार्मूला जो था अल्फ़ा पार्टिकल के लिए वो यही था, सिंपल सा था, हमने 2e लिया था तो यही फार्मूला यूज़ होगा। अब इस फार्मूले में अगर आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए, वो गिवन नहीं है, लेकिन मास और वेलोसिटी की टर्म में आप रख सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी गिवन है, लेकिन हमें मास की वैल्यू नहीं गिवन है। मास हमें एक जगह दिख रहा है, वो ये दिख रहा है यहाँ पर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2e/m इज इक्वल टू 4.8 × 10⁷। अब मेरे दिमाग में बात आ सकती है अगर मैं 2e/m ये एक वैल्यू अलग कर लूँ इसमें से तो मैं उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूँगा। इसीलिए ये फार्मूला जो है आर नॉट इज इक्वल टू 4kZe²/mV² है। ज़रा 2e/m को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2e/m इसको मैंने अलग लिख दिया, इनमें से बचा कौन, 2 बचा यहाँ से, k बच गया, z बचा, एक e यहाँ जा चुका है तो एक e यहाँ बचेगा, अपॉन नीचे से m जा चुका है तो v² बचेगा बस। अब देखिए फॉर्मूला कंबाइन करेंगे यही बनेगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 2 × 9 × 9 × Z की वैल्यू कितने भाई 79 × इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू ये पूरी वैल्यू 4.8 × 10⁷ अपॉन यहाँ है v², v की वैल्यू 2.1 × 10⁷² सॉल्व करेंगे या आंसर आपको मिल जाएगा इसके आसपास। तो अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वहाँ अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है। अगर मुझे पता चल जाता कि अल्फ़ा पार्टिकल नहीं कोई और पार्टिकल है तो मैं ये जो Q1 की वैल्यू है ना उसकी जगह 2e, 3e जो कुछ भी हो सकता है, फिर मैं क्या करता, ½mv² लेफ्ट में रखता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 / R लाइट में रखता, फॉर्मूला बनाता। फिर जब अल्फ़ा आए तो फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं, तब आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर अल्फ़ा के अलावा कुछ और आ रहा है तो आप क्या करिए, फॉर्मूला बनाइए, फिर Q1 की वैल्यू वहाँ पर रखिए, तब होगा। होप समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर। चलिए कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर।